ताइवान का नाम तो आप सभी ने सुना होगा, जिसे हम रिपब्लिक ऑफ चाइना भी कहते हैं। लेकिन ताइवान चीन को किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देता और एक अलग और विकसित देश की तरह ही अपनी सरकार चलाता है। ताइवान से भारत में काफी मात्रा में एक्सपोर्ट भी किया जाता है। और भी ऐसी बहुत सारी बातें हैं ताइवान के बारे में जो आपको इस वीडियो में जानने को मिलेंगी। इस वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबाएं, ताकि आपको हमारी आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ताइवान एक द्वीप पर स्थित देश है जो चाइना के तट पर है। 36,000 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में फैले ताइवान की पॉपुलेशन 2,38,00,000 है। ताइवान की राजधानी ताइपेई है। ताइवान में 90% लोग बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं और बाकी के 10% अलग धर्मों से जुड़े हुए हैं। ताइवान में हर साल छोटे बड़े मिलाकर 1,000 से भी ज्यादा भूकंप के झटके आते हैं। ताइवान की लड़कियां ज्यादा धूप में बाहर नहीं निकलती, क्योंकि यहाँ की लड़कियों को अपनी त्वचा पसंद है। ताइवान इतना छोटा है, पूरे ताइवान द्वीप का चक्कर लगाने में आपको सिर्फ 8 घंटे का समय लगेगा। ताइवान की मुख्य इनकम का सोर्स पेट्रोलियम, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक, स्टील के पार्ट को एक्सपोर्ट करके आता है। ताइवान के लोग साफ सफाई का बहुत ध्यान रखते हैं। अपने घर का कचरा तब तक बाहर नहीं निकालते जब तक कूड़ा उठाने वाली गाड़ी घर के सामने नहीं आ जाती। बाकी देशों में 13 नंबर को अशुभ माना जाता है, उसी तरह ताइवान में 4 नंबर को अशुभ माना जाता है। यहाँ पर किसी भी बिल्डिंग, इमारत, होटल में 4th फ्लोर नहीं होता। 2009 में आई भयंकर आंधी में ताइवान के लगभग 600 लोग मारे गए थे और ताइवान को $33 बिलियन का नुकसान भी झेलना पड़ा था। पूरी दुनिया में ताइवान के बच्चे गणित में सबसे आगे होते हैं और ताइवान के पास दुनिया का सर्वश्रेष्ठ गणित स्कोर हमेशा रहता है। ताइवान के लोग अपने काम से बड़ा लगाव रखते हैं और हर हफ्ते 70 घंटे अपने काम या व्यवसाय को देते हैं। ताइवान पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण वाले देशों में से एक है, इसलिए यहाँ के लोग चेहरे पर मास्क लगा कर रखते हैं। आमतौर पर आप चमगादड़ बहुत कम देखते होंगे, लेकिन ताइवान में आपको चमगादड़ पार्क, सड़कों पर इधर उधर घूमते दिखाई दे जाएंगे। शायद आपको पता ना हो, नूडल्स का आविष्कार ताइवान में ही हुआ था। ताइवान के लोग सुपारी खाने के बहुत शौकीन होते हैं। पूरे एशिया में गले और मुंह के कैंसर के केसेस सबसे ज्यादा यहीं पर होते हैं। ताइवान के लोग अपने घर आने वाले मेहमान का बहुत सम्मान करते हैं। कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है, आज से 10,000 साल पहले ताइवान द्वीप चाइना के साथ जुड़ा हुआ था और हिमयुग के कारण अलग हो गया। 28 फरवरी 1947 को ताइवान में एक बहुत ही दुखद घटना घटी थी। रिपब्लिक ऑफ चाइना सरकार का विरोध के दौरान 10,000 लोगों को मार दिया गया था। ताइवान की संस्कृति यहाँ के बच्चों को सिखाती है कि माता पिता का सम्मान सबसे पहले है और उनका परिवार उनका पहला कर्तव्य है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं।